हफ्ते मनीषा रानी और आशिका भाटिया में से कोई एक हो जाएगा एविक्ट। मेकर्स ने पलटा सारा खेल, फैंस का फूटा लगातार नॉमिनेशन टास्क पर गुस्सा। वेल गाइस, सलमान खान के कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस ऑलरेडी सीजन 2 का खेल अब सिर्फ 2 हफ्ते का बचा है। बीते वीकेंड के बाद में शो से फलक नाज एविक्ट हो गई है और फलक बिग बॉस ऑलरेडी सीजन 2 की मजबूत कंटेस्टेंट्स मानी गई, लेकिन वह शो में कुछ खास कमाल तो नहीं दिखा पाई। वहीं अब फलक के जाते ही बिग बॉस के मेकर्स ने एक बार फिर गेम पलट दिया है। इस हफ्ते का नॉमिनेशन टास्क घर में हो चुका है, जिसमें मेकर्स ने एक नई चाल चली। शो में एक ऐसा टास्क दिया गया जिसके जरिए मनीषा रानी और आशिका भाटिया पर बेघर होने की तलवार लटकी है। दरअसल बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के मेकर्स ने इस हफ्ते का नॉमिनेशन टास्क कैप्टन पूजा भट्ट के हाथ में दी। घर में एक टास्क हुआ जिसमें मेकर्स ने नॉमिनेशन की सारी पावर पूजा भट्ट को दे दी। इस दौरान पूजा भट्ट को किन्हीं 2 कॉन्टेस्टेंट्स को नॉमिनेट करने का हक मिला। में से कोई एक ही इस हफ्ते बेघर होगा। पूजा ने इस टास्क में मनीषा रानी और आशिका भाटिया को नॉमिनेट किया। इसके अलावा उन्होंने बाकी सबको सेफ रखा। ट्विटर पर मौजूद एक फैन पेज ने दावा किया है कि मेकर्स ने ये सारा प्लान आशिका भाटिया को इविक्ट करने के लिए किया है। हो सकता है इस वीकेंड पर डबल इविक्शन भी हो सक जाए, जिसमें दोनों कॉन्टेस्टेंट्स इविक्ट हो जाए। बिग बॉस के फॉलो करने वाले लगातार नेटिजन्स जो हैं वो इस नॉमिनेशन टास्क से बिल्कुल भी खुश नहीं है। इस दौरान हर कोई मेकर्स को लतार लगा रहा है। एक यूजर ने लिखा, ये गलत है, ये लोग जिया को टॉप 5 में सीधा लेकर जाएंगे। तो दूसरे ने लिखा, मेकर्स मनीषा को अब टारगेट कर रहे हैं। इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा, इतना प्लान नॉमिनेशन कभी नहीं देखा था। तो ऐसे में लगातार लोगों का मानना है कि ये पूरी तरीके से प्लान्ड नॉमिनेशन था, जिसमें आशिका और मनीषा को टारगेट किया जा रहा है। क्या लगता है आपको, इस हफ्ते कौन हो जाएगा बिग बॉस के घर से बेघर, मनीषा रानी या फिर आशिका भाटिया? डू लेट अस नो योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।